साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए, आज एहतसाब कोर्ट में पेश होंगे। कारकुनों को एहतसाब अदालत आने से रोक दिया, कहते हैं कानून के जरिए ही बेगुनाह साबित होगा, ठंडे दिमाग से केस लड़ने का कायल हूं। ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज की आज लाहौर हाई कोर्ट में पेशी, जस्टिस मलिक शहजाद की सरबराही में दो रुकनी बेंच दिन 12 बजे समाअत करेगा। हमजा शहबाज अपने वकला के साथ लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। भारत पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, 16 से 20 अप्रैल तक भारतीय हमले का खदशा है। मकबूजाबादी में नया नाटक रचाया जा सकता है, वजीर खारजा ने कौम को चुकन्ना कर दिया, कहा भारतीय जंगी जुनून के बादल अभी छटे नहीं। भारत मिस एडवेंचर की कोशिश ना करे, पाकिस्तान ने सख्त वार्निंग दे दी। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी, कार्रवाई हुई तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ से अमरीकी वफद की मुलाकात, क्यादत सेंटकॉम के कमांडर जनरल केंथ मैकनेजी ने की मुलाकात में इलाके की सिक्योरिटी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। बानी एमक्यूएम के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त, स्कॉटलैंड यार्ड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई, आज 6 एनी शाहिदीन के बयान रिकॉर्ड करेगी, मुकदमे की कॉपी और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मांग ली गई। आम मेडिसिन जो है ना उसकी कीमत नहीं बढ़ी, बड़ी उन मेडिसिन की कीमत है जो आपकी असेंशियली आपको किसी ऑपरेशन के दौरान जरूरत होती है, इमरजेंसी के दौरान जरूरत है, उनकी बढ़ी। आम अद्वियात महंगी नहीं हुई, ऑपरेशन और इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ, पंजाब की वजीर सेहत यास्मिन राशिद का अनोखा दावा। कराची के इलाके डीएचए में पुलिस की दादागिरी, सड़क के दरमियान सरकारी गाड़ी रोककर कार सवार जोड़े को हरासा करने लगे, गाड़ी से उतरकर साहिब से मिलने का हुक्म। शेखपुरा के मोहल्ला रोशनपुरा में उबाश की 7 साल के बच्चे से मुबैना ज्यादती, पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। और डेरा बुक्टी में एफसी के जरिए तमाम पीर को सुपर लीग टूर्नामेंट, सादा क्रिकेट क्लब ने क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया, फाइनल में पीर को लायंस को शिकस्त। रसाकशी में पुलिस ने बलोचिस्तान लेविस को शिकस्त दे दी, बलोची डक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।